नमस्कार, मैं नीति सेन। अशोक बिहार थाना पुलिस की टीम ने पिकेट चेकिंग के दौरान एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। बता दें कि यह आरोपी धारदार हथियार के साथ इलाके में दाखिल हुआ था, जिसके चलते अशोक बिहार थाना पुलिस की टीम ने आरोपी को बड़ी वारदात को अंजाम देने से पहले ही गिरफ्तार किया है। वहीं आरोपी के पास से एक धारदार हथियार, चोरी की एक स्कूटी बरामद की गई है। देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। अशोक बिहार थाना पुलिस की टीम ने पिकेट चेकिंग के दौरान वजीरपुर औद्योगिक क्षेत्र से धारदार हथियार के साथ एक को किया गिरफ्तार। जिले में बढ़ती हुई वारदातों को देखते हुए जिले के डीसीपी जितेंद्र कुमार मीणा ने जिले के सभी थानों को अलर्ट कर रखा, जिसके चलते जिले में अलग अलग जगह पर पिकेट चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, जिसको लेकर वजीरपुर औद्योगिक क्षेत्र में अशोक बिहार थाना पुलिस की टीम पिकेट लगाकर चेकिंग अभियान चला रही थी। उसी दौरान एक संदिग्ध इलाके में दाखिल हुआ और पिकेट चेकिंग को देखकर भागने लगा, लेकिन पिकेट पर तैनात पुलिसकर्मियों ने आरोपी का पीछा किया और थोड़ी दूरी पर उसे धर दबोचा। तलाशी के दौरान आरोपी के पास से एक धारदार हथियार बरामद किया गया है। वहीं जांच के दौरान पता चला कि आरोपी जिस स्कूटी पर सवार है वह भी चोरी की है। आरोपी ने पूछताछ में बताया कि वह चाकू की नोक पर राहगीरों के साथ लूटपाट की वारदात को अंजाम देने के लिए इलाके में दाखिल हुआ था, लेकिन अशोक विहार थाना पुलिस की टीम की मुस्तैदी के चलते आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार आरोपी की पहचान अनुराग उर्फ अन्नू है, जो कि जय कॉलोनी वजीरपुर का ही रहने वाला है। फिलहाल गिरफ्तार आरोपी से अशोक विहार थाना पुलिस की टीम पूछताछ में जुटी है।